हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6। ओके, तो देखिए इसमें पहला आपके पास होल नंबर की हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। 2.1 इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों से। तो इसकी एक्सरसाइज में राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, यानी कि इसको रीड क्या करेंगे 10999। तो इस नंबर के आपको नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर बताने आफ्टर। आफ्टर मीन्स इसके बाद के 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑलरेडी बताया। सक्सेसर मतलब होता है आफ्टर। तो इसके बाद का जस्ट पहला है, आपको एक नंबर बताना है, देन दूसरा बताना है, देन तीसरा बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। तो 10999, अब इसका पहला सक्सेसर जो होगा, देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें 1 और 1 प्लस करते जाएंगे। किस तरीके से करेंगे, सपोज हमारे पास ये नंबर था, आप ये जो प्लस करना है वो रफ में प्लस करेंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जिसको पता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को नहीं अंदाज आता है किसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि डिजिट कुछ इस तरीके से दिए 999, जहां पे जीरोस की मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो हम पहला इसका आफ्टर नंबर निकालने के लिए 1 से प्लस करेंगे। 9 और 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 और 1 10 अगेन, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 और 1 10 अगेन, और यहाँ पे 1 और 1। तो आपके पास कितना आ गया, 11,000, ठीक है। देखिए 10,999 था, तो 10,999 के बाद ऑब्वियसली आपके पास 11,000 आएगा, बट स्टिल आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें 1 प्लस करिए। देन इसके नेक्स्ट नंबर देखिए क्या हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर तो आई थिंक हमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। 11,000 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,001। ओके, तो ये तो बहुत इजी है। अब इसके आगे हम दूसरा नंबर भी बता सकते हैं, 11,002। 1 के आफ्टर क्या हो जाएगा, इस 1 के आफ्टर 2। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। इट मीन्स ये आपके पास 10,001 दिया, इसके जस्ट पहले का नंबर। तो देखिए 10,001, ठीक है। देखिए 1 से पहले क्या आता है, 10,001, ये आपके पास 10,001 है, सॉरी इसमें 10,001, इसको दोबारा से कर लेती हूँ, 10,001। ओके, अब देखिए 10,001 से बिफोर पूछा हुआ है। बिफोर मतलब क्या होता है, आपके पास आपको 1 माइनस करना होता है। अगर आप 1 माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया 0 0 0, देन 0 1, तो आपके पास कितना आ गया, 10,001 है। जैसे 101 होता है, 101 से पहले क्या आता है, आपके पास 100 आता है ना, वैसे 10,001 से पहले क्या आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। अब इससे भी पहले क्या होगा, देखिए इससे पहले आपको खुद बताइए, 10,000 आपके पास है, तो अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल में बता रखा है, इसका प्रिसीडिंग क्या होगा, इसका बिफोर क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए 1, 10 में से 1 माइनस 1 9, यहाँ पे 9 रह गया, और यहाँ पे भी 10 फिर नहीं है, 9 हो गया, 9 देन अगेन 9, तो कितना हो गया, 9999, ठीक है, 9,999। अब इसके भी पहले आपको, क्योंकि आपको 3 बताने हैं, तो 9,999 से पहले क्या हो जाएगा, 9,998, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास ये 3-3 नंबर आपको पहले इस सेकंड क्वेश्चन में बिफोर बताने थे, फर्स्ट क्वेश्चन में आफ्टर बताने थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है। अब देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर की जहां बात करेंगे, तो मैंने आपको होल नंबर की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन बताया था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा आपके पास, 0 इज दी आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स, हाउ मेनी होल नंबर्स, यानी कि आपके पास 32 और 53, ठीक है, 32 एंड 53, इसके बीच में कितने नंबर। अब इसके बीच के आपको पता है होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, अप टू एंड ऑन पूरी काउंटिंग आपकी चलती है। तो 32 के बाद अगर हम 53 तक काउंटिंग करें, तो नंबर ऑफ होल नंबर्स कितने आए, यानी कि वो नंबर्स कितने आए।
आप इसको नंबर लिखिए 32, 33, 34, 35, 36, 37, देन 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 53, तो आप देख सकते हैं 32 ये है और 53 है, इसके बीच में कितने सारे होल नंबर हमें मिल गए। अब आपसे ये सारे होल नंबर आपने लिखने नहीं है, आपको ये बताने हैं कि ये है कितने। तो 32 और 53 के बीच में जो ये होल नंबर ये कितने, इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देयर आर 20 होल नंबर्स इन बिटवीन 32 एंड 53। कितने होल नंबर्स है? 20 होल नंबर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, राइट द सक्सीजर। सक्सीजर देखो, 1 का सक्सीजर इज 2, इज वेरी इजी। आफ्टर बताना यानी किसके बाद का नंबर बताना, तो इसका सक्सीजर तो हमने ऐसे ही विदाउट एडिंग कर लिया है, जहां पे 0 और 9 का केस है वहां पे हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये डिजिट दे रखी है 100199, इट मीन्स ये आपके पास दे रखा है 1,199,000। देखिए 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, तो ये 1,00,000 है, 1,199,000। तो इसको सक्सीजर निकालने के लिए हम रफ कॉपी का, रफ पेज का यूज करेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा देखिए, 9 और 1, 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 9, 1, 10, अगेन 1 कैरी, 1 and 1 is 2, देन 2, 0 एज इट इज एंड 1। तो आपने देखा 199 के आफ्टर होता है 200, है ना। अगर आप इस पे फोकस करें तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 100200। अब इसके आफ्टर क्या होगा देखिए, इसके आफ्टर भी हम निकाल लेते हैं। ये आपके पास नंबर कुछ ग्रेटर नंबर है, 10 और 5 बार 9 है आपके पास, ठीक है। तो इसके आफ्टर क्या हो जाएगा, 10, 1 कैरी फॉरवर्ड अगेन 10, 1 कैरी अगेन 10, 1 कैरी, यहाँ 1 0 0 0, देन 0 अगेन 9 1 0, देन 1 कैरी 1, ठीक है। तो आपने देखा 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, ये था तुम्हारा 10,99,999। क्या डिजिट पढ़ेंगे इसको हम, देखिए 1, 10, 100, 1,000, 10,000,000, ठीक है। तो 10,99,999 के जो आफ्टर आता है वो आपके पास आता है 11,00,000। कितना आ रहा है हमारे पास, 11,00,000, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, 1 to 5 हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे राइट द प्रेडिसेसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 का हमारा एक पार्ट बच चुका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 पहले से कर लेते हैं। इसका सक्सेसर क्या होगा, 2, 3, 4, 5, देखो 670 का सक्सेसर तो इजीली हम लिख सकते हैं 671। अब बात करते हैं प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब बिफोर नंबर, पहले वाला नंबर। 94 के बिफोर आपके पास हो जाएगा 93, ठीक है। अब इसके बिफोर करना है तो उसको 1 माइनस कर लीजिए, 10 में 1 माइनस होके यहाँ 9 आएगा, ये 10 होगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 10 होके 9, ये भी 10 होके 9, तो 3 9 ऐसे हो गए और यहाँ पे क्या बचिए आपका 0, तो 9,999 आपका प्रेडिसेसर निकल गया। देन नेक्स्ट नंबर है 20809, 90 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 90 का प्रेडिसेसर आपका 89 होता है, बाकी के रेस्ट नंबर 0 ऐसे ही लिखे जाएंगे, आप चाहे तो माइनस करके उसको निकाल दीजिए, ठीक है। देन इसका प्रेडिसेसर देखो 321 का प्रेडिसेसर 320 हो जाएगा, बाकी नंबर आगे से आप इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब करते हैं सेवंथ क्वेश्चंस।